लोकसभा चुनाव के बाद अब 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों का उपचुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं। इन सभी सीटों पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। बता दें कि चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर समेत कई दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। जिस सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसमें पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट, दक्षिण बागता और मणिकतला, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर, पंजाब की जालंधर, पश्चिम हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़, बिहार की रुपौली, तमिलनाडु की विक्रवंडी और मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट शामिल है। इन जगहों पर उपचुनाव मौजूदा विधायकों की मृत्यु या इस्तीफा के कारण खाली हुए पदों के कारण हो रहे हैं। इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा 78.38% मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई थी। बंगाल के बागदा सीट पर 65.15%, रायगंज सीट पर 67.12%, मणिकतला सीट पर 51.39% और राणाघाट दक्षिण सीट पर 65.37% वोटिंग हुई थी। बिहार की एकमात्र सीट रुपौली में 51.14% वोटिंग हुई थी। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर 65.78%, नालागढ़ सीट पर 75.22%, देहरा सीट पर 63.89% वोटिंग हुई। पंजाब की जालंधर विधानसभा सीट पर 51.30% वोटिंग हुई। यहां के उपचुनाव में कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। तमिलनाडु की विक्रवंडी विधानसभा सीट पर 77.73% वोटिंग हुई थी। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर सबसे कम 47.68% वोटिंग हुई। यहां बीजेपी के राजेंद्र भंडारी और कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटौला के बीच सीधा मुकाबला है। उत्तराखंड की मंगलौर सीट पर 67.28% वोटिंग हुई थी। बता दें कि इस उपचुनाव में बीजेपी की टीएमसी पर चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया था। रायगंज विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मानस कुमार घोष ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ टीएमसी ने उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान निर्वाचन क्षेत्र के कुछ बूथों पर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की थी।